जब भी आप कोई खत लिखते हैं तो उसको अधिकतर जांच परख कर लेते हैं ताकि कोई उसमें गलती ना हो। और अगर हम बोलें कि वही खत अगर आपने देश के प्रधानमंत्री को देना है तो शायद आप पढ़ने के बावजूद भी दो बार किसी और से भी पढ़वाएंगे। जी हाँ, आज हम आपको ऐसा ही एक खत दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजा गया था। और वह कब भेजा था हम आपको बता दें, आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर एक डीएम ने शादी के अंदर तहलका मचा दिया था और उसके अंदर एक पंडित को थप्पड़ भी मारा था। उस थप्पड़ की गूंज इतनी दूर तक पहुंची कि देश के हिंदू महासभा संघ के लोगों ने लिख डाला प्रधानमंत्री के नाम लेटर, और वह किसी छोटे मोटे लोगों ने नहीं लिखा, और वह लिखा अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा संघ ने। अब हम आपको दिखाते हैं इस लेटर की हकीकत। इस लेटर के अंदर एक तो नहीं तमाम गलतियां हैं जो हम आपको वन बाय वन करके दिखाते हैं। आप लेटर ऊपर से देखेंगे तो आपको नमहा में मिस्टेक नजर आएगी। आप देखेंगे तो अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के नीचे रोड के अंदर भी आपको मिस्टेक नजर आएगी। और यह लेटर उन्होंने लिखा है जो शैलेंद्र यादव डीएम को बोलते हैं कि यह आरक्षण से आया हुआ तो नहीं कहीं ऐसा तक लोगों ने लिखा है। अब हम आपको बताते हैं कि इस लेटर को लाल देखने के बाद आपको थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए जो आप अपने कर्म कांडों में बुलाते हैं क्या वह इतना योग्य है या नहीं, उसकी योग्यता जरूर जांच लें। गलती नंबर एक लेंगे हम लोग, इन्होंने लिखा है साहब जबकि होता है साहब। गलती नंबर दो, होना चाहिए सख्त जबकि इन्होंने लिखा है सख्त। यह व्याकरण का वह ज्ञाता है जो देश को चलाने की बात अपने कंधों पर लेते हैं। मानो या ना मानो लेकिन इनकी व्याकरण बहुत ज़्यादा खराब है, ग्रामर मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, वो आगे हम भी और भी देखेंगे। गलती नंबर तीन, इन्होंने लिखा है कार्यवाही जबकि होना चाहिए कार्रवाई। गलती नंबर चार जिसमें इन्होंने लिखा है मैं जबकि होना चाहिए मैं है, मैं के अंदर बिंदु लगाना चाहिए ऊपर की तरफ जो इन्होंने नहीं लगाया। बबली महाराज जो अपने आप को इतना बड़ा ज्ञाता कहते हैं वह कैसे मिस्टेक कर सकते हैं। गलती नंबर पाँच, होना चाहिए वहाँ, इन्होंने लिखा है वहाँ। गलती नंबर छः, इन्होंने लिखा है साहब जबकि होना चाहिए साहब। गलती नंबर सात, इन्होंने लिखा है उल्लंघना जबकि होना चाहिए उल्लंघन, जो ये हमेशा करते रहते हैं उल्लंघन। अच्छा, एक बात इसमें बड़ी ध्यान देने वाले हैं, हम आगे भी गलतियां भी बताएंगे और आप लोगों को जुड़े रहना है। आप देखिए यह नीचे प्रख्यात पंडितों की लिस्ट है जिसके अंदर सभी ने पढ़ा होगा लेकिन लगता है कि सभी के सभी इतने ही काबिल हैं। गलती नंबर आठ जिसमें होना चाहिए कि जबकि इन्होंने लिखा है कि। गलती नंबर नौ जिसमें लिखा है इन्होंने आड़ जबकि होना चाहिए आड़। गलती नंबर दस जो सबसे बड़ी गलती है वह है ब्राह्मण और जबकि होना चाहिए ब्राह्मण। बिंदी की गलती क्या से क्या बना देती है यह आपको भी समझना पड़ेगा। जबकि अपने लेटर हेड पे जो ऊपर लिखा हुआ है ऑरेंज कलर में उसको देखकर भी लिखते तो भी ये सही लिख देते। गलती नंबर 11 इन्होंने लिखा है थप्पड़ जबकि होना चाहिए थप्पड़। जिस थप्पड़ ने पूरे देश में गूंज कर दी वह थप्पड़ भी नहीं लिख पा रहे हैं यह थप्पड़। गलती नंबर 12 इन्होंने लिखा है वहाँ जबकि होना चाहिए वहाँ। गलती नंबर 13 इन्होंने लिखा है लाठियाँ जबकि होना चाहिए लाठियाँ। गलती नंबर 14 इन्होंने लिखा है चलवाई जबकि होना चाहिए चलवाही। इस तरीके की तमाम मिस्टेक हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी हैं इन्होंने अपने खत में। गलती नंबर 15 इन्होंने लिखा है टुकड़े टुकड़े जबकि होना चाहिए टुकड़े टुकड़े। गलती नंबर 16 पूर्ण विराम नहीं लगाया जो होना चाहिए, वह इस तरीके से लगाते हैं। सोच लीजिए अगर आपके बच्चे भी गुरुकुल में जाते हैं तो इसी तरीके का ज्ञान वह भी कहीं अर्जित ना कर लें। गलती नंबर 17 इन्होंने लिखा है जबकि होना चाहिए हैं। गलती नंबर 18 इन्होंने लिखा है नहीं जबकि होना चाहिए नहीं। बबली महाराज ने अपनी तो करवाई पूरे समाज की बेरुखी करवा डाली जिससे आज पूरे समाज में हलचल है, पूरे समाज में हलचल है। और वह इस खत को आगे भी नहीं भेज पा रहे हैं कि हमारे महापुरोहित ही जब इतनी गलती करेंगे तो हमें कौन सम्मान और मान देगा। एक बार गलती करने के बाद तो साहब को कम से कम समझ में आ जाना चाहिए कि गलती नंबर 19 और 20 में भी इन्होंने साहब कर दिया है जबकि होना चाहिए साहब।
गलती नंबर 21 इन्होंने करा है कार्यवाही, जबकि होनी चाहिए कारवाही। गलती नंबर 22 इन्होंने की है छोटे ई की मात्रा लगाई, जबकि बड़े ई की मात्रा लगनी चाहिए यहाँ पर। गलती नंबर 23 आपको दिखाई दे रहा होगा, पूर्ण विराम इन्होंने नहीं लगाया, जबकि होना चाहिए यहाँ पर पूर्ण विराम। गलती नंबर 24 इन्होंने लिखा है सार्वजनिक, जबकि होना चाहिए सार्वजनिक। मोदी जी को इस पे भी संज्ञान लेना चाहिए कि जो संस्थाएं ढंग से हिंदी भी नहीं लिखते उनको बंद कर देना चाहिए। आपका क्या विचार है इस वीडियो को देखने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।